आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर कितनी अच्छी बात बोली गई है, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। देखिए हम लोगों को करना क्या है, आप अपना काम करते रहिए, जो भी आपका करने का काम है बस उसमें अपना बेस्ट दीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए। सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा क्लियर होगा एग्जाम कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब बातें सोचने का आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है, जो आपका डेली रूटीन है बस उसको उसमें अपना बेस्ट दीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप अपने डेली रूटीन को अच्छे से करेंगे, उसमें अपना 100% देंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आपके पक्ष में ही आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी चीजों को भूल जाइए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर आप 100% देंगे अपना। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग की पजल चल रही है, 50 पजल सीरीज चल रही है 50 सेट की, उसमें आज हम लोग थर्ड सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पजल को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक, लेकिन फायदा तभी मिलेगा, पहले आप वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, खुद से इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पजल को। देखिए देयर आर 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एच हु लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 लोग हैं ये 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, ओके। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। अच्छा ठीक है, मतलब 8 स्टोरी बिल्डिंग है और ये 8 फ्रेंड रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं, 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा 8th फ्लोर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये टॉप फ्लोर हो गया, ये 7th फ्लोर, 6th फ्लोर, 5th, 4th, 3, 2, एंड ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, ये मैंने 8 फ्लोर ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं, ईच ऑफ देम आर वर्किंग इन डिफरेंट नेशनलाइज बैंक, बीस बी ओ आई बी ओ बी देना यू बी आई सी बी आई आई ओ बी पी एन बी ओ बी सी। ठीक है, मतलब ये 8 पर्सन है, ये अलग अलग बैंक में काम करते हैं और अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, अच्छा देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन। अच्छा देखिए अब यहाँ से हम लोगों की कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो देखिए 8 पर्सन है, तो ये तो मैं यहाँ पे पर्सन का कॉलम बना लेता हूँ, एक यहाँ पे पर्सन आ जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे इन लोगों के बैंक का कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों के बैंक का कॉलम बना लेता हूँ। ठीक, अब देखिए किस तरीके से आपको करना है, इसको सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ से, पजल को किस तरीके से अप्रोच करना है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक ही बार रीड करना होता है इसको और कंडीशन साइड में नोट करते जाइए, बार बार रीड नहीं करना होता, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, और रीडिंग की हैबिट आप लोग अपनी अच्छी कर लीजिए, रीडिंग हैबिट आप लोग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बस रीडिंग हैबिट आप लोग की अपने आप अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, बस डेली बेसिस पर रीडिंग करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन ए एंड द फ्लोर ऑन विद द पर्सन दैट वर्क्स इन ओबीसी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए और ओबीसी के बीच में एक पर्सन रहता है, ये मैंने डॉट दिखा दिया, मेरा तरीका है पर्सन दिखाने का। ठीक है, आप जैसे चाहें जैसे आपको सही लगे वैसे आप दिखा सकते हैं। ठीक, ए और ओबीसी के बीच में एक फ्लोर है। ठीक, ये मैंने दिखा दिया, आगे देखते हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन ओबीसी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। मतलब जो ओबीसी में वर्क करता है पर्सन, वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं होगा, तो ओबीसी मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फ्लोर पर, और ये क्रॉस बना दिया, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डी लिव्स जस्ट बिलो बी, डी लिव्स जस्ट बिलो बी, मतलब बी के जस्ट नीचे डी रहता है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ, साइड में एरो बना के, आप जैसे आपको सही लगे आप वैसे दिखा सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, बी के जस्ट नीचे डी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु वर्क्स इन बी ओ आई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु वर्क्स इन सी बी आई। देखिए क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़िए इसको। द वन हु वर्क्स इन बी ओ आई, जो बी ओ आई में काम करता है, लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, एंड जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु वर्क्स इन सी बी आई लिव्स। मतलब सी बी आई के जस्ट ऊपर रहता है, सीबीआई के जस्ट ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर ही मैंने साइड में एरो दिखा दिया। ठीक है, जस्ट ऊपर कौन रहता है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया वाला रहता है। ठीक है, और ये जो बैंक ऑफ इंडिया वाला जो पर्सन है, वो हमारा इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, यही कहना चाह रहा है कंडीशन। ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पर और इसको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, चलिए यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन आईओबी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 8th फ्लोर। ठीक, मतलब जो पर्सन आईओबी में काम कर रहा है, वो आपका इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, लेकिन 8th फ्लोर पर नहीं होगा, तो आईओबी वाला मैं यहां पे लिख लेता हूं, 8th फ्लोर पर आईओबी वाला नहीं आएगा। क्लियर हो गई ये बात, लेकिन ये आईओबी वाला ये कहां पर होगा, इवन नंबर फ्लोर पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आईओबी वाला इवन नंबर फ्लोर पर होगा, आईओबी वाला कहां पर होगा, इवन नंबर फ्लोर पर होगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर नोट कर ली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Neither D nor H lives on first floor. मतलब first floor पर D और H नहीं आएंगे, तो ये मैंने D को क्रॉस कर दिया first floor और ये H को क्रॉस कर दिया। D और H first floor पर नहीं आएंगे, ये H है आपका। ठीक है, ये H है, D और H first floor पर नहीं आएंगे। Only one person lives between the one who works in PNB और D. PNB और D के बीच में सिर्फ एक person है,
तो पीएनबी और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन में बना लेता हूं, पीएनबी और डी के बीच में एक पर्सन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड ई लिव्स जस्ट अबव ए, ए हमारा ऑड नंबर फ्लोर पर है और ई उसके जस्ट अबव रहता है, तो ए हमारा ऑड पर है और ई उसके जस्ट अबव रहता है, ये मैंने दिखा दिया, ए के जस्ट अबव ई है और ए हमारा ऑड फ्लोर पर है, ठीक है, ये कंडीशन नोट हो गई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बी लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, ये देखिए हमें बिल्कुल फिक्स कंडीशन दे रखी है, बी लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, तो देखिए ये फोर्थ फ्लोर पर है, यहां पर मैं बी को रख देता हूं, ये मैंने बी को प्लेस कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, ओनली टू फ्रेंड लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स इन आईओबी एंड ए, अच्छा आईओबी और ए के बीच में दो लोग रहते हैं, तो ये मैंने लिख दिया आईओबी और ए के बीच में दो लोग रहते हैं, ठीक है, आईओबी और ए के बीच में दो लोग रहते हैं, ठीक, ये मैंने दिखा दिया, कहां तक हो गया, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने। एफ लिव जस्ट बिलो द वन हु वर्क्स इन सीबीआई, जो सीबीआई में काम करता है उसके जस्ट नीचे एफ रहता है, तो देखिए ये कंडीशन हम लोग यहां पर लिख चुके हैं, तो यहीं पर इस कंडीशन को मर्ज करके लिख लीजिए, अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं, एफ लिव्स जस्ट बिलो द वन हु वर्क्स इन सीबीआई, तो ये सीबीआई है, सीबीआई के जस्ट नीचे एफ आ जाएगा, तो मैं साइड में एरो बना के लिख देता हूं कि ये जस्ट नीचे एफ आ जाएगा हमारा, ठीक, ये चीज आ रही है समझ में, ये एफ लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों कंडीशन आपने एक साथ लिख ली, मतलब ये तीनों एक लाइन से आएंगे, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, डी वर्क्स नाइदर इन सीबीआई नॉर ओबीसी, डी हमारा ना ही सीबीआई में है ना ही ओबीसी में है, तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, भाई डी हमारा जो पर्सन है वो ना तो सीबीआई में होगा, सीबीआई के आगे क्रॉस बना देता हूँ, और ओबीसी में भी नहीं होगा, यही बोल रहा है ना, डी नाइदर वर्क इन सीबीआई नॉर इन ओबीसी, ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर ली, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। द पर्सन हु वर्क्स इन देना बैंक डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, अच्छा ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं है तो इवन नंबर फ्लोर पे होगा, भाई नंबर क्या है, या तो ऑड है या इवन है, तो कोई पर्सन अगर ऑड पे नहीं बोल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो इवन पर होगा, ठीक है, चीज आगे समझ में। द पर्सन हु वर्क्स इन देना बैंक डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब इवन नंबर फ्लोर पे होगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि देना बैंक वाला हमारा इवन नंबर फ्लोर पर है, कि देना बैंक वाला इवन नंबर फ्लोर पर है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, जी डज नॉट वर्क इन बीओबी, जी हमारा बीओबी में काम नहीं करेगा, तो मैंने लिख लिया जी और बीओबी के आगे, इसके आगे क्रॉस बना लिया, मतलब ये बीओबी में काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देर आर टू फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द एच लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच द ई लिव्स, मतलब एच और ई के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एच और ई के बीच में दो लोग आ जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स इन यूबीआई एंड द वन हु वर्क्स इन देना बैंक, तो देखिए देना बैंक हम लोग यहाँ पर लिख ही चुके हैं, और देना और यूबीआई के बीच में दो लोग हैं, तो यहीं पे इस कंडीशन को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, देना और यूबीआई के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, ये आपकी पूरी कंडीशन बन गई है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने सारी कंडीशन यहाँ पर नोट कर ली है, ठीक, अब दोबारा से हम इसको बिल्कुल भी रीड नहीं करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आपको किस तरीके से करना है, जल्दी जल्दी रीडिंग की हैबिट अच्छी बनेगी, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी कंडीशन को नोट करते जाइए, ठीक, और एक ही बार पढ़ना होता है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया कंडीशन को नोट कर लिया, ठीक, अब आगे देखते हैं, अब इन कंडीशन को सेट करते हैं यहाँ पर, अब देखिए अब इतना करने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, तो देखिए वहां से स्टार्ट करिए जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा फिलअप हो पाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंडीशन को आप सेट कर पाए, मर्ज कर पाए, ठीक है, तो देखिए ये देखिए इस वाली कंडीशन को जरा ध्यान से देखिए, बीओआई सीबीआई और एफ, ठीक है, और बीओआई इवन पे होना चाहिए, यहां से देखिए तीन प्लेस एक साथ फिल हो जाएंगे हमारे, ठीक, तीन प्लेस एक साथ फिल हो जाएंगे, तो चलिए सबसे पहले इसी को उठाते हैं, ठीक है, तो चलिए इवन नंबर ऊपर से चेक करना शुरू करते हैं, देखिए इवन नंबर, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, तो इवन नंबर देखिए सबसे पहले एट, एट भी हमारा इवन नंबर है, तो देखते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है, आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे सीबीआई, सीबीआई के नीचे एफ, मतलब ठीक है यहाँ पे हमारा आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कहाँ पर है, अच्छा ये वाला देख लीजिए, उससे पहले बी के जस्ट नीचे डी है, बी के जस्ट नीचे डी है, बस ये वाली कंडीशन तो फिक्स है ना, इसको तो सेट कर ही सकते हैं, बी के जस्ट नीचे डी बोला है, देखिए बी तो ऑलरेडी प्लेस है, तो बी के जस्ट नीचे मैं डी को यहाँ पर बैठा दूंगा, ठीक, तो ये वाली यूज हो गई, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, कट कर दिए, मतलब ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यूज कर दिया, ठीक है, चलिए अब इसको मैं चेक कर रहा था, देखिए बैंक ऑफ इंडिया एट वाले फ्लोर पर इवन नंबर फ्लोर है, यहाँ पे आ सकता है, उसके नीचे सीबीआई, उसके नीचे एफ, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर, अब देखते हैं एट के बाद कौन सा इवन नंबर है, सिक्स, ठीक, सिक्स इवन नंबर है, तो इस पर यहाँ पर देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ तो वही समझ में आ रहा है, ये मेरे पॉइंटर को ध्यान से देख जाइए, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगा इवन नंबर, उसके जस्ट नीचे सीबीआई, उसके जस्ट नीचे एफ, एफ आ सकता है क्या, यहाँ पर बी प्लेस है, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता ना, मतलब मैं बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकता, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ ना, बस यही यहाँ पे पजल में समझने की चीज होती है, ठीक, ये बार बार कंडीशन लिख के नहीं चेक करना होता है, आपके पास रफ सीट होती है, एक बार आपने कंडीशन नोट करनी, बस फिंगर्स को रख के यहाँ पे देखते जाइए कि ये कंडीशन यहाँ पे फिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी को वहां से कैंसिल आउट करते जाइए, ठीक, समझ में आ गई बात, बार बार इसमें लिख के नहीं देखना होता है, ऐसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी पजल, 20 मिनट होते हैं आप लोगों के पास, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा कैंसिल आउट करते जाइए, ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात समझे, मतलब सिक्स पे नहीं रख सकता, ये चीज क्लियर हो गई, भाई सिक्स पे बैंक ऑफ इंडिया आएगा, नीचे सीबीआई, तो नीचे एफ आना चाहिए, लेकिन एफ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे बी रखा हुआ है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिक्स के पास इवन नंबर कौन सा है, फोर, क्या देखते हैं फोर पे आ सकता है, फोर पे बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है, नीचे सीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे सीबीआई, अच्छा सीबीआई के नीचे एफ आ सकता है, तो देखते हैं डी, अब देखिए
डी को सीबीआई दे नहीं सकते, ये कंडीशन बहुत ध्यान से समझिए, डी को सीबीआई नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ उसके जस्ट नीचे सीबीआई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला कि डी के पास तो सीबीआई हो नहीं सकता, ये डी है ना, डी के पास तो सीबीआई हो नहीं सकता, मतलब मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को नहीं रख सकता। समझ में आ गई, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक भाई, समझ में आई कि नहीं आई, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया को इस वाले इवन नंबर फ्लोर पर रखता हूँ उसके जस्ट नीचे सीबीआई आना चाहिए और सीबीआई डी के पास आ जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला, डी के पास सीबीआई नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, फोर के बाद इवन नंबर कौन सा है, सेकंड फ्लोर। तो देखिए सेकंड के नीचे तो दो प्लेस वैसे भी खाली नहीं है, तो सेकंड के नीचे तो जगह ही नहीं है, तो सेकंड पे भी नहीं आ सकता, तो कहां पे आ सकता है सिर्फ हमारा बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे आ सकता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई तभी आप लोगों की सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो पाएगी ये पजल। ठीक है, तब तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, ध्यान से समझना इसको, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मतलब मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा बैंक ऑफ इंडिया को, ये मेरे पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं बैंक ऑफ इंडिया को यहीं पर प्लेस करना है, उसके नीचे सीबीआई आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया सीबीआई, उसके जस्ट नीचे एफ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये वाली कंडीशन हमारी यूज हो गई है। ठीक, आ गई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं इसके बाद कौन सी कंडीशन को रखे। तो देखिए, चीजों को लिंक करिए आपस में। देखिए, ए और ओबीसी के बीच में एक है, ए दो छोड़ के आईओबी है, ए के जस्ट ऊपर ई है, ए ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक, मतलब ये तीनों कंडीशन आपको कहीं ना कहीं मर्ज होते हुए दिख रही है, भाई तीनों का आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ए और ओबीसी, ए और आईओबी और ए के जस्ट ऊपर ई। समझ में आ गई बात, मतलब ये चीज आपको क्लियर हो रही है, तो सबसे अब इस कंडीशन को उठाइए। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना होता है जहां से ज्यादा ज्यादा फिलअप्स हो पाए उसी कंडीशन को पिक करिए। अब इसको चेक करना शुरू करते हैं। देखिए, ए ऑड फ्लोर पर है, उसके जस्ट ऊपर ई होना चाहिए, तो नीचे से करना शुरू करते हैं, सबसे नीचे यहां से। देखिए, अगर मैं ए को यहां रख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मिनट मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस खाली कर लूं, वरना थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा आपको। एक मिनट, ये मैं यहां पर ये थोड़ा इरेज कर दूं इसको। ठीक है, एक मिनट का टाइम दीजिए बस, ये हो गया यहां पर इरेज। ठीक है, अच्छा, जो कंडीशन हमारी यूज हो गई उनको हटाई देते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पेस खाली हो जाएगी, ये वाली कंडीशन यूज हो चुकी है और ये वाली कंडीशन हम लोगों की यूज हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। चलिए, ये हमारा हो गया यहां तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या बोला था मैं, अब देखिए, अब इन वाली कंडीशन को मर्ज करिए, ए और आईओबी के बीच में दो हैं, ए और ओबीसी के बीच में एक पर्सन है, ए के जस्ट ऊपर ही है, मतलब ये तीनों कंडीशन दिख रही है, तीनों को मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ, इन तीनों कंडीशन को आपस में मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को आपस में चेक करते हैं। देखिए, अब ये बस आपको चेक करते जाना है फिंगर रखते हुए। ठीक है, चलिए, ए ऑड फ्लोर पर है, ए के जस्ट ऊपर ई है। अच्छा, ऑड फ्लोर सबसे नीचे चेक करते हैं, ऑड फ्लोर ये है सबसे पहले, ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ए के जस्ट ऊपर ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, ए और ओबीसी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो ए अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो ओबीसी मेरा डी पे आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं भाई, ए अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझिए, ए को अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ए के जस्ट ऊपर ओबीसी आना चाहिए, मतलब ए एक पर्सन छोड़ के ओबीसी आना चाहिए, लेकिन डी के पास ओबीसी आ जाएगा, लेकिन क्या बोला इसने, डी के पास ओबीसी नहीं होना चाहिए। भाई समझ में आई बात, भाई क्या बोल रहा है, ए ऑड फ्लोर पर है, ए के जस्ट ऊपर ही है, तो मैंने यहां से चेक करना शुरू किया, ए को मैंने ऑड फ्लोर पर रखा, उसके जस्ट ऊपर मैंने ई को रखा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, लेकिन ए और ओबीसी में उसने एक पर्सन बोला है, तो ए अगर यहां पर है तो ओबीसी एक छोड़कर डी पे आएगा, ओबीसी एक छोड़कर डी पे आएगा, लेकिन डी पे मैं ओबीसी को नहीं रख सकता, यहाँ पे मना किया है ना, मतलब यहाँ पे ए हमारा नहीं आ सकता, कैंसिल हो गई ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद ऑड नंबर देखिए, थ्री पे तो ऑलरेडी डी प्लेस है, ए नहीं आ सकता। अच्छा, उसके बाद ऑड नंबर देखिए फाइव, तो फाइव के जस्ट ऊपर क्या है, एफ है, लेकिन ए के जस्ट ऊपर ई होना चाहिए, अगर मैं ए को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो जस्ट ऊपर ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एफ है, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, जगह खाली नहीं है। उसके बाद देखिए ऑड नंबर कौन सा है, तो यही वाला एक सिंगल ऑड नंबर बचा आपके पास। समझ में आ गई बात, किस तरीके से आपको चेक करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेटली आ जाएगा ए, तो देखिए ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ए के जस्ट ऊपर ई है। क्लियर हो गई बात, ए के जस्ट ऊपर मैंने ई को रख दिया, ए ये वाली कंडीशन हो गई, इसको हटा दीजिए, ए और ओबीसी में एक पर्सन है, तो ए यहाँ पर है, एक छोड़ के ओबीसी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ए और ओबीसी में एक पर्सन हो गया, ये वाली यूज हो गई, इसको हटा दीजिए, ए और आईओबी में दो लोग हैं, तो ए यहाँ पर है, दो पर्सन छोड़ के आईओबी आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पर है, दो पर्सन छोड़ के, एक पर्सन दो पर्सन छोड़ के आईओबी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऊपर तो कोई जगह खाली है नहीं, नीचे आएगा सीधी सी बात है, और देखिए आईओबी इवन नंबर फ्लोर पर भी आ रहा है, सारी कंडीशन हमारी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गई बात, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये सारी कंडीशन आपकी यूज हो गई। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए और कोई कंडीशन बच रही है यहाँ पे। अच्छा, H और E के बीच, अब देखिए ये देखिए H और E के बीच में दो लोग हैं, H और E के बीच में दो लोग हैं, तो E हमारा ऑलरेडी आ चुका है, दो पर्सन छोड़ के H हमारा यहाँ पे आ जाएगा, H हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए और देखिए और कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हैं, ये हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए D और PNB में एक पर्सन बोला है, D और PNB के बीच में एक पर्सन, तो देखिए D हमारा यहाँ पर है, एक पर्सन छोड़ के ऊपर OBC है, तो एक पर्सन छोड़ के नीचे PNB आएगा। ठीक है, ऊपर तो आ नहीं सकता, तो नीचे PNB आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, D और PNB भी यूज हो गया। और देखिए और किसको हम सेट कर सकते हैं, अब देखिए देना और यूबीआई के बीच में दो लोग हैं, देना इवन नंबर पे होना चाहिए। तो देखिए देना को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देना को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए इवन नंबर कौन सा है, टू है, इवन नंबर टू है ना, तो देना को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दो पर्सन छोड़ के यूबीआई, देना को अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, देना को यहाँ ले रहा हूँ, दो पर्सन छोड़ के यूबीआई आ नहीं सकता क्योंकि ओबीसी है।
ठीक, मतलब देना यहाँ पे नहीं आएगा। दो के बाद चार है इवन नंबर, चार पे ऑलरेडी प्लेस है, फिर छह है इवन नंबर, ठीक, ऊपर तो सारे इवन नंबर फिलअप है, तो देना को डेफिनेटली मैं यहीं पर रखूंगा। ये चीज आ रही है समझ में मैंने किस तरीके से लिया है, ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देना और यूबीआई के बीच में दो लोग हैं, तो 2% छोड़ के यूबीआई आ जाएगा, 2% छोड़ के यूबीआई आ जाएगा। ये हमारा यूबीआई आ गया यहाँ पर, ये वाली कंडीशन भी हम लोगों ने नोट कर ली, ठीक। अब देखिए सारे बैंक हमारे फिल हो गए हैं, बस एक ही प्लेस खाली है, तो देख लेते हैं कौन सा बैंक हमारा बचा हुआ है। बीओआई आ गया, सीबीआई, देखिए सिर्फ बीओबी बचा हुआ है हमारा, तो बीओबी को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है, बीओबी को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, बीओबी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पर्सन कौन कौन से बचे हैं, देखिए सी बचा है और जी बचा है हमारा, सी बचा है और जी बचा है, ठीक है, ये सारी कंडीशन हम लोग की यूज हो गई है, सी बचा है और जी बचा है। तो देखिए उसने क्या बोला, जी हमारा बीओबी पे नहीं आएगा, ये बोला है ना, जी हमारा बीओबी पे नहीं आएगा, तो बीओबी पे जी नहीं आएगा, तो जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और जो बचा हुआ पर्सन वो कहाँ जाएगा, मतलब कौन सा बचा, ए बी सी, सी बचा है तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये पजल हम लोग की सॉल्व। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, देखिए सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, थ्री वेरिएबल पजल थी आपके, फ्लोर थे, पर्सन थे और बैंक थी, इसको मैंने सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया है, ठीक है। इसको वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये पजल हम लोग की सॉल्व हो गई है, अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन बीओबी, बीओबी में कौन काम करता है, बस जल्दी जल्दी टिक मारते जाइए, बीओबी में कहां गया, बीओबी में कौन काम कर रहा है, ये सी काम कर रहा है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ई और बी, ई और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो देख लेते हैं ई और बी के बीच में कितने लोग हैं। भाई ई ये है हमारा और बी कहां पर है, बी ये है, तो 3% आ रहे हैं बीच में, ए ऑफ एच, तो 3% हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पर देखिए कौन है, टॉप मोस्ट फ्लोर पर देखिए कौन है, 8 फ्लोर पर ई है जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, ठीक है, ई है जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द वन हु वर्क्स इन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो देखते हैं, फ्लो नंबर 2 डी यूबीआई, 2 पे डी यूबीआई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बोला है हमेशा नीचे से चेक करना शुरू करिए, मतलब नीचे वाले ऑप्शन से चेक करना शुरू करिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जहां पे आपको चेक करने के लिए बोलता है कॉम्बिनेशन ट्रू है या फॉल्स है, वहां पे हमेशा वो लास्ट वाले में साइड करता है, ज्यादातर यही होता है क्वेश्चन में, तो हमेशा आप नीचे से करना शुरू करिए, लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले इसको चेक करिए, फ्लोर नंबर 8 पर ई बी ओ आई, ई बी ओ आई, फ्लोर नंबर 8 पर, देखिए फ्लोर नंबर 8 पर ई बी ओ आई, यही आपको ट्रू दिख गया कि नहीं दिख गया, समझ में आ गई बात, यही आपको ट्रू दिख गया, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से चेक करना शुरू करते हैं, ये एग्जामिनर इसी तरीके से सेट करता है क्वेश्चंस को, वो चाहता है कि बच्चे ऊपर से चेक करना शुरू करें, ऑप्शन 1 चेक करें, फिर 2 चेक करें, 3 चेक करें, इतना टाइम वेस्ट हो, वो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 में रखता है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा नीचे से चेक करना शुरू करिएगा, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही होता है कि एग्जामिनर सबसे लास्ट में इस टाइप के ऑप्शन को सेट करता है, ठीक। तो देखिए हमारा मिल गया इसी तरीके से, पहले चेक करने पर हमारा टाइम बच गया, ऊपर के 3 ऑप्शन चेक नहीं करने पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो देख लेते हैं ए किस कौन सी बैंक में काम कर रहा है, ए कहां गया हमारा, ए हमारा ये 7th फ्लोर पर है, सीबीआई में काम कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगा देते हैं, कहां पर है हमारा सीबीआई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग की पजल थी, कैसी लगी आप लोग को जरूर बताइएगा। देखिए सिंगल पॉसिबिलिटी मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, समझ में आ गई बात, आप इसको अच्छे से देखिए, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप लोग भी सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए मैंने किस तरीके से पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट किया है, ठीक, बार बार लिखना नहीं होता है, बस फिंगर रख के उनको चेक करते जाइए कि यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, उसी तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होती जाती है, बार बार उसको लिख के नहीं देखना होता है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास और इतनी बड़ी रफ सीट भी नहीं होती आप लोगों के पास, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी पजल आने वाली है, 50 पजल की सीरीज हम लोग की चल रही है, अभी तो 3 आई है, अभी 47 और आने वाली है, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।